हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो आइए बातें करते हैं क्लॉज आइडेंटिफिकेशन पर। एक सेंटेंस है हमारे पास, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। तो हम लोग इसी चैप्टर्स को अभी देख रहे हैं और उसमें से जो भी सेंटेंसेस है उसको हम लोग क्लॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने ब्लैक समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज आवर बॉडी, हम तो भी नहीं होगा, साथ ही साथ हमारा शरीर भी नहीं होगा जी। क्योंकि क्यों नहीं शरीर होगा? बिकॉज आवर बॉडी हैवी विद फैटिग ऑफ ट्रैवल, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो बहुत ज्यादा यात्रा से, ट्रैवल का मतलब यात्रा से, बहुत ज्यादा थक चुका है। विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल हैवी, जब तक वो हमारे जो बॉडीज है वो उस पर से लोड से ग्रसित रहेगा, बर्डन रहेगा, दबा रहेगा, हैवी विद द फैटिग, उस फैटिग थकावट से जब तक हमारा शरीर दबा रहेगा, हैवी रहेगा, और वो है कि किससे है, ऑफ ट्रैवल से, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। तो आवर बॉडीज, वो ये हमारा फ्रेज था इस बॉडी के लिए, कैसे बॉडीज है, तो एज वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज कैन नॉट गेन लॉजिंग, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक आवर बॉडीज कैन नॉट गेन लॉजिंग, जब तक कि हमारे शरीर को अर्थात हम लोगों को भी राइट ना मिल जाए, कौन सी राइट, लॉज करने की, ठहरने की, क्योंकि हम अश्वेत हैं, चल रहे होते हैं रास्ते में चलते चलते थक चुके होते हैं, इंतजार होती है कि भाई कोई रेस्टोरेंट आए, कोई होटल से आए तो वहां पर हम ठहर जाए, लेकिन हम ठहरने के लिए जाते हैं, सही रकम भी हम चुकाते हैं, लेकिन हम लोगों को टिकट लात मार कर भगा दिया जाता है, बिकॉज वी आर ब्लैक अमेरिकन्स, गोरे का राज है। तो तब तक मुझे सुकून सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा, कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स। देखो दोस्तों, एक वर्ड हमको सीखना है, मोटल्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स, थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना है ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स क्या होता है। ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स दोस्तों, ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स क्या होता है कि दो वर्ड्स के मिलने से, दो वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसके फर्स्ट, दोनों वर्ड को फर्स्ट वर्ड्स या अंतिम वर्ड्स को लेकर के एक नए वर्ड्स का हम तैयार करते हैं। याद है आपको, हमने एक वर्ड पढ़ा है नायलॉन, तो एनवाई जो वर्ड आया है वो न्यूयॉर्क से आया, और एलोवन जो वर्ड आया है वो लंदन शहर से आया। तो लंदन में एलो एन लिया गया और न्यूयॉर्क का एन और वाई लिया गया, एक नया वर्ड क्रिएट हुआ नायलॉन। नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स। दोस्तों ये मोटल्स देख रहे हैं, ये समझना, ये मोटल्स है क्या? तो देखो, हमको पता है मोटर, हम रास्ते पर चल रहे होते हैं, आप देखे होंगे जनरली, खासकर हम लोग इंडियंस में, फॉरेन तो हमें कभी मौका नहीं मिला जाने का, तो हम लोग देखे हुए लिखे रहता है रोड के किनारे, आगे ढाबा है इतना किलोमीटर पे, नहीं ढाबा इस तरह से करके लिखा हुआ रहता है। तो वैसे होटल्स को हम मोटल्स कहते हैं जो रोड के किनारे साइड, जहां पर मोटर ठहरने की भी व्यवस्था हो और साथ ही साथ खाने के लिए। तो देखो, हमारे पास वर्ड है मोटल और एक वर्ड है हमारा होटल, तो पता है होटल में हम लोग खाते पीते हैं। तो मोटर से दोस्तों लिया गया एमओ
और होटल से लिया गया टीएल यानी एमओ ही समझेंगे या फिर एमओटी समझेंगे, तो यहाँ से ईएल समझो। अब चूंकि दोनों वर्ड में टीटी सेम पोजीशन पर है, ये भी लकी ही है हम लोग को मिला, देख रहे हैं ना, फर्स्ट वर्ड में भी थर्ड पोजीशन पर टी है और होटल वर्ड में भी थर्ड पोजीशन पर टी है। तो यदि हम ये कहें कि मोटर से एमओटी लिया गया है तो हम इसमें कहें कि होटल से ईएल लिया गया, अब इसमें कहें कि मोटर से एमओ लिया गया है और होटल से टीएल लिया गया, तो दोनों कंडीशन में हम लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक कह सकते हैं चांस ऐसा बना जो दोनों कंडीशन में हम लोग सही है। तो यहाँ से लिया गया मोट हम कहें तो इधर से आ एल और यही बन गया मोटल, और मोटल में लग गया एस तो बन गया मोटल। समझा, वैसे जितने भी ढाबा आप दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, मोटर। वहाँ पर गाड़ी उनके मोटर लगाने की भी व्यवस्था होती है और साथ ही साथ खाने की। तो इसको ऐसे रेस्टोरेंट्स का क्या नाम है, मोटर। नया वर्ड सीखा, ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड सीखा, और भी कई तरह के आप सीख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आपको मैं कई सारे वर्ड्स बता देता हूँ। अभी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो नेटजिंस एक आई थिंक वर्ड आया है, अब मैं भूल रहा हूँ, नेटवर्क और सिटीजन्स को मिलाकर के इंटरनेट और इंटरनेट और सिटीजन का कॉम्बिनेशन फॉर्म नेटजिंस एक वर्ड आया है। मैंने ऐसे लोग जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लेटेस्ट रहते हैं या कह सकते हैं सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उनको हम नेटजिंस से हम लोग संबोधित करते हैं। यानी इंटरनेट और एक वर्ड है हमारे पास सिटीजन, ठीक है, नागरिक, और इसको हम लोग पढ़ते हैं नेटजिंस। हम लोग एक वर्ड आई थिंक आया है नेटिजंस, मैं भूल रहा हूँ कुछ बात है, देख लीजिए, तो नेटिजंस ही वर्ड है, खूब इस्तेमाल होता है नेटिजंस। चलिए, तो हमने आपको बताया नेटिजंस, ठीक है ना, यानी वैसे नेटिजंस वैसे पीपल को कहते हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो आपने क्या देखा है, इंटरनेट और सिटीजंस को मिलाकर के बना नेटिजंस। एक हमारे ट्रेंड में बहुत ज्यादा वर्ड है और हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन विराट कोहली और इनकी वाइफ अनुष्का शर्मा, तो हमने यहाँ पर भी ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स का गेम देखा, उधर से लिया गया विराट से भी क्या वी और अनुष्का से अनु को हटा दिया गया, तो जो बचा तो नया वर्ड बना वीरूस का, विरुष्का ही कहते हैं ना। तो ये जो एग्जांपल है ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स का एग्जांपल है। उसी तरह से डॉक्यूमेंट्री प्लस ड्रामा से एक नया वर्ड बना डॉकू ड्रामा। तो कई सारे इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो आपने मोटल समझ लिया, तो तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगी एज लॉन्ग एज जब तक आवर बॉडीज कैन नॉट गेन लॉजिंग, जब तक हम लोगों को भी अधिकार नहीं मिल जाए क्या करने का, ठहरने का इन द मोटल्स, उन सारे मोटल्स में ऑफ द हाईवे। तो अभी अभी बताया था कि ये मोटल्स हमेशा कहाँ होते हैं, हाईवे पर, राजपथ जो होते सड़के होते हैं, मुख्य मार्ग होते हैं उसके किनारे। अब गांव देहात में थोड़े आपको मोटल्स दिखाई देगा, समझ में नहीं बातें, तो हाईवे पर एंड द होटल ऑफ द सिटीजन, तो सिटीजन क्या होता है, सिटीज में हमको होटल्स दिखाई देता है, हमको दोनों जगह अधिकार चाहिए ठहरने का, मोटल्स हाईवे के साइड जो बगल में है वहाँ पर भी जब तक हमको अधिकार नहीं दिया जाएगा, और शहर में जो होटल्स है वहाँ पर भी रहने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। तो ये था मीनिंग्स। अब एनालिसिस पर बात करें दोस्तों, तो आइए एनालिसिस को समझते हैं। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, ये हमारा क्या बन गया, पीसी बहुत बढ़िया, ये पीसी है हमारा। एससी, चलिए सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, एस वन और यहाँ से लेकर जितना भी है हमारा, ठीक है ना, पूरा एंडिंग तक देखने में कितना बड़ा दिख रहा है, सब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, और यहाँ पर एंड है,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन सीसी नहीं है क्योंकि ये दो नाउंस को जोड़ रहा है, एक मोटल्स ऑफ द हाईवे एंड होटल ऑफ द सिटी। कहां कहां हमको रहने का, लॉज का मतलब ठहरना, और इसी लॉज का नाम बना है, और लॉज वर्ब मींस ठहरना और लॉज नाउन मींस कंपार्टमेंट। हम लोग कहते हैं कि हम लोग लॉज में, लॉज में बराती की हुई, लॉज में फंक्शंस है, ठीक है ना। तो लॉज नाउन भी होता है, लॉज वर्ब भी होता है। तो यहां लॉज भी फॉर फॉर्म में है, ठहराओ, ठीक है ना, लॉज को पीछे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, एसी। और इस एसी में हैवी से लेकर ट्रैवल तक मेरा फ्रेज है, और इसका भी हम बात कर लें तो हमारा एस टू है आवर बॉडीज, और इसका फाइनल वर्ब दिखाओ कहाँ है, ऑल ऑक्सिलरी इज फॉर बार फाइनाइट वर्ब। ये हमारा एस टू, ये मेरा एस टू। तो बताओ इधर हो गया एसी, इधर हो गया पीसी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पीसी एंड एसी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो गया एज पर स्ट्रक्चर, इनकी एड फुल स्टॉप है सेंटेंस के एंड में, तो मीनिंग पर क्या हो गया, स्टेटमेंट। फिर से बता देता हूँ, पीसीएसी टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला सेंटेंस का एनालिसिस आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम लोगों ने एक नए वर्ड को सीखा, ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स। सो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।